गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मार्केट इकोनॉमी पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। नॉन मार्केट इकोनॉमी का पहली बार जो आइडिया दिया था ये कार्ल मार्क्स ने दिए थे, ठीक है। इसमें दो पार्ट रहते हैं, क्या क्या, एक होता है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और दूसरा होता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी का आइडिया पहली बार किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला होता है सोशलिस्ट, दूसरा होता है कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट पार्ट जो सोशलिस्ट टाइप का जो इकोनॉमी है, ये यूएसएसआर जो पहले था, अभी रशिया है, टूट के अभी यूएसएसआर डिवाइड हो गया था, है ना। तो जो पहले का जो यूएसएसआर था वो 1917 से 1989 तक ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को अपनाया था, ठीक है। वहां किस टाइप का इकोनॉमी था, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, या इसको बोलते हैं प्लान इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, क्या इसका मेन फीचर क्या है, जो स्टेट होता है ना, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ही इज द ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, सबका ओनरशिप और उसका कंट्रोल किसके किसके ऊपर रहता है, सरकार का रहता है, ठीक है, सोशलिस्ट में। ये कहां पर पहली बार मिला था, ये मतलब इसको यूज कौन किया था, यूएसएसआर ने किया था। ये कब से कब तक ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी अपना अपनाया था, ये 1917 से लेके 89 तक ये अपनाया था। और दूसरा जो बता रहा हूं वो है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, है ना, या कम्युनिस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले वाले में सोशलिस्ट में क्या था, जो देश रिसोर्सेस है ना, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वो किसके कंट्रोल में था, किसके कंट्रोल में आता था, वो सरकार के कंट्रोल में आता था, ठीक है। बट कम्युनिस्ट में क्या होता है, रिसोर्सेस जो होता है, नेचुरल रिसोर्सेस, वो भी आता है, प्लस वहां का जो लेबर फोर्स है वो भी उसके कंट्रोल में आता है, ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, ओनरशिप है उसका। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या डिफरेंस है, लगभग सेम ही है, बस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट में एक्स्ट्रा ये है कि जो लेबर फोर्स है वहां का, उस कंट्री का, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, वहां का सरकार करती है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या एक बेसिक चीज है कि सरकार सब कुछ होता है ना, पूरा इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है, स्टेट करता है या सरकार करता है, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, यहाँ कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट नॉन मार्केट इकोनॉमी जो डेवलप हुआ, ये किसके रिएक्शन में डेवलप हुआ, इट इज डेवलप इन रिएक्शन टू द मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी आया ना, उसके अगेंस्ट में ये क्या हुआ, आया नॉन मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। ये कहां कहां पर चालू हुआ था, यूएसएसआर में चालू हुआ था और चाइना में चालू हुआ था। चाइना में कब से कब तक चालू हुआ था, 1949 से 1985 तक ये नॉन मार्केट इकोनॉमी का मॉडल चला, ठीक है। तो ये नॉन मार्केट इकोनॉमी का जो मेरिट्स क्या है, ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी का मेरिट्स क्या क्या है, ये क्या क्या फीचर्स है उसके, ठीक है। पहला फीचर ये है, ऑल रिसोर्सेस शुड बी यूज फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसका पहला कंसेप्ट ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेस है सरकार मतलब देश का, वो सब यूज हो, किसके लिए यूज हो, फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल, वहां जो लोग रहते हैं उनकी भलाई के लिए हो, उनकी डेवलपमेंट के लिए हो, उनकी अच्छाई के लिए हो। तो ये उसका पहला कंसेप्ट था, ठीक है। दूसरा क्या था, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी प्लेड बाय द स्टेट ओनली, मतलब ये क्या बोल रहा है, मार्केट में क्या होता था, इंडिविजुअल प्लेयर्स रहते थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहते थे, वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, सोशलिस्ट और इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सारे जब जो कुछ भी होता है वो कौन करता है, स्टेट करता है, अलग अलग कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना, कोई प्रोडक्ट को बेचना, कोई प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाना, ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं ये कौन करता है, ये स्टेट करता है, ठीक है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड बाय द स्टेट, ठीक है। और क्या है, नो प्रॉपर्टी राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलता है इसमें, नॉन मार्केट इकोनॉमी, चाहे वो सोशलिस्ट फॉर्म हो चाहे वो कम्युनिस्ट फॉर्म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी राइट्स किसी भी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है इन दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और क्या है, हियर एब्सेंस ऑफ मार्केट, जैसे ऑब्वियसली है क्योंकि ये नॉन मार्केट इकोनॉमी है तो मार्केट होगा ही नहीं, या ना डिमांड सप्लाई का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट
वहां जब मार्केट मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का काम करता है, लेकिन यहाँ तो मार्केट ही नहीं है तो ना डिमांड रहेगा ना सप्लाई रहेगा। ठीक है, सरकार जो बनाएगी जिसको चाहे देगी, जिसको चाहे नहीं देगी, जो 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 देना चाहेगी वही देगी, जो नहीं देना चाहेगी नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट नहीं है तो डिमांड और सप्लाई का भी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, और क्या है, नो आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन, जब मार्केट ही नहीं रहेगा तो कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक ही आदमी है, कौन, सरकार। सरकार ही बनाएगी सब कुछ, सरकार लोहा भी बनाएगी, सरकार धान भी बनाएगी, सब कुछ सरकार ही करेगी। ठीक है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं है, एक ही प्लेयर काम करता है, वो कौन है, स्टेट, और दूसरा कोई है तब ना कंपटीशन होगा। कंपटीशन के लिए क्या चाहिए, दो आदमी मिनिमम चाहिए, यहाँ दूसरा है ही नहीं, कौन है, अकेला स्टेट है, तो यहाँ कंपटीशन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। बट मार्केट इकोनॉमी में बहुत सारे लोग सेम काम को कर रहे हैं तो वहां पे कंपटीशन है, बट यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है नॉन मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, और क्या है, डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस, हाउ टू सप्लाई आर टेकन बाय स्टेट। जैसे मैं बताया, स्टेट सब करेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, लोगों को कैसे क्या पहुंचाना है, क्या सप्लाई करना है, ये सारे डिसीजंस कौन करता है, ये लेता है वो स्टेट लेता है, सरकार लेता है वहां की। ठीक है, जहां पे ये नॉन मार्केट इकोनॉमी चलता है। ठीक है, और क्या है, फुल्ली कमिटेड टू वेलबींग ऑफ मासेस। जैसे पहले ही बताया था, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जितने भी रिसोर्सेस है वो लोगों का भलाई के लिए काम हो। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी का वही सबसे बड़ा चीज है कि सारे चीजें जो है वो लोगों के भलाई के लिए कमिटेड रहता है। तो ये मॉडल जो है का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों की भलाई हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका फीचर्स या जो जो अच्छाइयां हैं, लेकिन इसके बुराइयां क्या क्या है, व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर, ये तो प्रोस हो गया है ना, कॉन्स क्या क्या है। पहला देखो, नो क्रिएशन ऑफ कैपिटल और वेल्थ, यहाँ कोई कैपिटल और वेल्थ क्रिएट ही नहीं हो रहा, सरकार बना रही है और लोगों को दे रही है, दूसरा कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल या वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है जो इन्वेस्ट हो सके। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए या वेल्थ चाहिए, ना इन्वेस्टिंग कैपिटल चाहिए, वो इन्वेस्टिंग कैपिटल यहाँ पे है ही नहीं, बन ही नहीं रहा कि कोई दूसरा इंडिविजुअल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, नो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, यहाँ रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता है, सरकार जिसको जो उस सरकार के प्रायोरिटीज में जो रहेगा, है ना, सरकार अपना प्रायोरिटीज सेट करेगी कि मेरे को यही चीज प्रोड्यूस करना है, यही चीज देना है ना। तो मान लो कि वही चीज को देगा तो जो चीज रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज बनना चाहिए, जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो यूज नहीं हो पा रहा है, हो नहीं पाएगा, तो वो तो वेस्ट हो ही गया, है ना। तो ये क्या, इसीलिए क्या होता है, नो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, या इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी बहुत होता है। ठीक है, और क्या है, नो मोटिवेशन टू हार्ड वर्क, नो इनोवेशन। जैसे मैं बताया था, कोई प्रॉपर्टी राइट्स देता नहीं है किसी को, इंडिविजुअल को, अगर प्रॉपर्टी राइट नहीं देता तो वो अपना काम क्यों करेगा बेचारा, है ना, और काम नहीं करेगा तो इनोवेशन भी कहां से आएगा, ना यहाँ इनोवेशन आता है, ना नया नया चीज डेवलपमेंट के लिए कोई दिमाग लगाता है, है ना। तो और क्या करता है, हार्डवर्क भी नहीं करता है, काम नहीं करेगा कोई, क्यों काम करेगा, सरकारी सब कुछ करे, सरकार सब डिसीजन ले ले, कितना प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, क्या नहीं करना, सब अगर सरकार लेगी तो आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, जो बोला जाएगा वही करेगा बस। तो ना इनोवेशन होगा, ना वो दिमाग लगाएगा अपना, ना वो ज्यादा काम करेगा, जितना बोला जाएगा उतना काम करेगा। ठीक है, तो इसमें वही होता है, कोई मोटिवेशन नहीं रहता है हार्डवर्क करने के लिए, ना कोई इनोवेटिव चीजें डेवलप होता है। ठीक है, और क्या होता है, बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, ये सब सोशलिस्ट कंट्रीज है या कम्युनिस्ट है, यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, ना डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ लिबर्टी नहीं होगा, आप फ्रीली कुछ कर नहीं सकते, ना आपका फ्रीडम होगा। ठीक है, ये उसका हो गया कौन सा, ना ये सब डिसएडवांटेज है नॉन मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, ये समझ में आ गया नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है। और एक कैटेगरी का इकोनॉमी आता है जिसको बोलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि इसमें जो मार्केट इकोनॉमी प्लस जो नॉन मार्केट इकोनॉमी या सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या कम्युनिस्ट फॉर्म इकोनॉमी, इन दोनों को मिला के, इससे कुछ और उससे कुछ, कैपिटल से कुछ और नॉन मार्केट इकोनॉमी से कुछ कुछ चीजें मिला के एक नया टाइप ऑफ मार्केट इकोनॉमी मॉडल डेवलप हुआ, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे समझ में आ रहा है, नाम से मिक्स्ड मतलब दो चीजों का मिक्स हुआ, कौन कौन सा, मार्केट इकोनॉमी का और आपका नॉन मार्केट इकोनॉमी का, कुछ कुछ चीजें मिला के एक नया मार्केट इकोनॉमी डेवलप किया गया, तो नया इकोनॉमी डेवलप किया, मॉडल डेवलप किया गया, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें बहुत प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं और स्टेट भी रहता है, सरकार भी वही काम कर सकती है, स्टेट भी वही काम कर सकती है। जैसे कि इंडिया,
इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी कब से चालू हुआ? 1947 के बाद। उससे पहले क्या था? कैपिटल इकोनॉमी। उससे पहले कौन थे? अंग्रेज थे, तो अंग्रेज कैपिटलिस्ट थे। तो 1947 से पहले जो इकोनॉमी था इंडिया में उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, लेकिन बाद में जो क्या 1947 के बाद हम लोगों ने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग यहाँ बहुत गवर्नमेंट भी काम कर सकता है, प्राइवेट भी काम सकते हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जिसको पब्लिक सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए रेलवे, रेलवे में क्या है, पूरा सरकार का है और कुछ कुछ रेलवे प्राइवेट भी कर दिया गया। जैसे मान लो कि हम लोग स्टील लेते हैं, स्टील इंडस्ट्री में आपका टाटा भी है और सेल भी है, सेल गवर्नमेंट का है और आपका टाटा जो है, टाटा जो प्राइवेट है, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या है, मतलब दोनों काम साथ साथ काम करेंगे, है ना। जहां पे अपना प्राइवेट चाहे प्राइवेट भी कर सकता है, गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल कब से चालू हुआ, पहली बार कौन इसको अडॉप्ट किया था? फ्रांस ने अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था? 1944-1945 में। ठीक है, पहली बार कब अडॉप्ट किया था, कौन सा कंट्री ने? फ्रांस ने किया था। ठीक है, और क्या है, जो इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए आया क्योंकि जो कैपिटल इकोनॉमी था ना वो स्टैग्नेंट हो गया था। स्टैग्नेंट मतलब रुक गया था, उसका डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। तो उस डेवलपमेंट को हटाने के लिए क्या है, ऑब्वियसली आप जब हमारा ग्रोथ नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नया नया चीजें करना चालू करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा वही बात हुआ, जब भारत स्वाधीन हुआ ना उसके बाद वो क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। जब देखोगे कि इंडिया का जो जीडीपी था वो 2.7 लाख करोड़ था जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, लेकिन अभी कितना है 2021 में? 135.13 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इतना बढ़ गया मिक्स्ड इकोनॉमी जब हम लोग मॉडल यूज करने से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान इकोनॉमी शुरू में लिए। वो प्लान इकोनॉमी किसका था? आपका सोशलिस्ट था, है ना, लेकिन हम साथ में कैपिटलिस्ट भी लिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कैपिटलिस्ट टाइम या कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी ज्यादा हावी होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार का रेगुलेशन रहता है उसके ऊपर, है ना, फ्री नहीं छोड़ता है। जैसे मार्केट इकोनॉमी में फ्री छोड़ देता है, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है, सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में भले वो ज्यादा कैपिटलिस्ट दिखे लेकिन सरकार का पूरा पॉलिसी उसके ऊपर रहता है, हर चीज में पॉलिसी लाता है। इतना कर सकते हो आप इन्वेस्ट, इतना नहीं कर सकते हो, ये पैदा कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये सारे सरकार के रेगुलेशन के अंडर में चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया जो इकोनॉमिक मॉडल यूज करता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल यूज करता है, जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन मार्केट इकोनॉमी और ये होगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।